वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ही डिफरेंट से न्यू प्रोडक्ट का जो है आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो फर्स्ट इम्प्रेशन काइंड ऑफ वीडियो है क्योंकि आपके सामने ही मैं इस प्रोडक्ट को जो है यूज़ करने वाली हूँ। एंड मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये टाइप का प्रोडक्ट मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। सो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, वैसे भी आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। मैं बात कर रही हूँ ये वाओ स्किन साइंस के एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क के बारे में। तो इसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड अगर आप भी देखना चाहते हो कि ये मैं पे कैसे वर्क करता है देन कीप ऑन वॉचिंग। सो एक पील ऑफ मास्क है एंड मैंने सुना है कि पील ऑफ मास्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी नर्वस भी और एक्साइटेड भी हूँ इसको ट्राई करने के लिए क्योंकि मैंने कोई भी पील ऑफ मास्क पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। सो वाओ के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने बहुत वीडियो में बताया, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड भी है कि इसके जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पैराबेन फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री होते हैं, कलर फ्री होते हैं, मिनरल ऑयल वगैरह। तो ये भी पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड कलर फ्री प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है ये, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। एंड गाइस एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता ही है, बहुत लोगों को एलोवेरा बहुत पसंद है अपनी स्किन के लिए, तो मुझे भी बहुत पसंद है, यूज़ करते हैं और मुझे पता नहीं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज़, वो मैं पढ़ने वाली हूँ अभी। तो आफ्टर क्लींजिंग योर फेस अप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द जेल इवनली ऑल ओवर द फेस एंड नेक, अवॉइडिंग आई एरिया एंड माउथ एरिया, लेट इट ड्राई फॉर 15 to 20 minutes, 15 to 20 minutes आपको इसे सूखने देना है एंड उसके बाद जेंटली जो है पील करना है। फॉर बेटर रिजल्ट यूज ट्वाइस इन अ वीक, तो अभी पहली बार तो यूज़ कर लेते हैं हम इसको। सो इसको सिंपली क्लीन फेस के ऊपर जो है अप्लाई करना है। सो मेरा फेस जो है वो ऑलरेडी क्लीन है, मैं अपने हेयर्स को जो है पीछे ले लेती हूँ, फेस को ऑलरेडी जो है क्लीन कर लिया है ये वाओ के ही एलोवेरा फेस वॉश के साथ। इसका वीडियो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं अभी इसको यूज ही कर रही हूँ तो इसका वीडियो भी मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलिए अभी इसको जो है यूज करते हैं। एक्चुअली ये सील है तो मैं इसको आपके सामने ही ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने एंड हाँ बाय द वे मेरे फेस पे मेकअप नहीं है, जस्ट मैंने लिपस्टिक और लाइनर लगाया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमें आँखों एंड मुंह के पास जाना ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, आई एम सॉरी अगर आपको अजीब लग रहा होगा तो। ओके इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो अभी मैंने नेक पे एंड फेस पे जो है अप्लाई कर लिया है, अभी रुकता है 15-20 मिनट एंड देखते हैं उसके बाद क्या होगा। सो गाइस अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा फेस एकदम स्ट्रेची सा लग रहा है, नेक का तो आधा निकल ही चुका है क्योंकि मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना इसलिए, बट फेस का अच्छे से इंटैक्ट है और पूरा सूख भी चुका है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, मुझे पता नहीं ये निकलेगा भी कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि पूरा एक साथ निकले, बट ना निकले तो पीसेस में तो निकल ही जाएगा। हाँ जहाँ पे मेरे बाल अटक चुके हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जहाँ पे बाल अटक चुके हैं। बाकी तो ये अभी तक इतना पेनफुल नहीं है।
है गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। आप मेरी नेक भी देख सकते हो। नेक में ऐसा सच मुझे इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी नेक है ही ऐसी कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी फेल हो जाते हैं, लेकिन मेरे फेस में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। एंड सबसे पहला डिफरेंस तो टच में ही है कि मेरा फेस और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, लाइक एकदम बेबी सॉफ्ट लग रहा है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और आप नेचुरल ग्लो देख सकते हो फेस पे, जो है फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो आ रहा है। एंड मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लग रहा है, मतलब विंटर्स थे, अभी विंटर्स चल रहे हैं एंड मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी विंटर्स की वजह से, लेकिन इसने मेरे फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है, वरना अगर मैं अपने मुँह को धोती भी हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं कब मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट फील दे रहा है ये एंड बिल्कुल भी इसने ड्राई नहीं किया है, हाइड्रेट किया है जैसे कि ये कहता है। तो सबसे जो पहला क्लेम है वो है प्यूरीफाइज। डेफिनेटली आप जब आपकी स्किन देखोगे तो बहुत ही प्यूरीफाई, मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी ने जो है डर्ट खींच लिया है आपके फेस से। मैं पहले थोड़ी सी नर्वस थी कि पता नहीं कैसा पेनफुल होगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाल है तो बालों में जो अटक गया था और यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल रहा क्योंकि वहाँ पे बाल अटक गए थे, बाकी कहीं भी बिल्कुल भी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एलोवेरा तो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता ही है, बट ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि एलोवेरा का है इसलिए मुझे तो ये पसंद ही था, और जब मैंने इसको यूज़ किया तो आप रिज़ल्ट सामने देख सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। वीडियो के आप स्टार्टिंग में मेरा फेस देखो और अब वीडियो के एंड में आप मेरा फेस देखो, काफ़ी एक अच्छा नेचुरल सा ग्लो आया है, फेस जो है मेरा काफ़ी ब्राइट लग रहा है। ये जो प्रोडक्ट है आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, इसकी प्राइस 350 रुपीज़ है एंड ये काफ़ी जगह हमेशा डिस्काउंट्स पे ही चलता रहता है। तो अगर आपको लेना है तो मैं कुछ एक लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से वो चेकआउट कर लेना। एंड गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।